हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल BF12 वर्ल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो से भी अपडेट रह सकें। वो गाड़ी रुकाई ना, गाड़ी के साथ अंकिता जी, अंकिता जी समोर बघा। हाँ मैडम, समोर बघा तुमचे मैडम जी समोर। एक मिनट थांबा जरा। मैडम समोर, ओके थैंक यू। Thank you.
ये सारी चीजें भी हमारे इंडिया में होती है। ये ब्यूटीफुल हिस्ट्री हमारे
हमारे मीडिया का पार्ट है. सो आई थिंक वी जस्ट प्रेजेंटिंग इट अगेन और आई होप कि ये बच्चों को बहुत पसंद आए. सारे लड़कियों को बच्चे छोटी छोटी लड़कियाँ वो ये देखें जिनको एक अलग तरीके का यू नो एजुकेशन मिलेगा शायद इस फिल्म को देखकर. मुझे उनका डांस बहुत पसंद आता है. आई लव हर डांसिंग और वो कौन नहीं पसंद आता. मुझे उनका सबसे अच्छा चीज वेरी फ्लॉलेस, मतलब उनमें कुछ कमी नहीं है अगर आप आगे पीछे को देखें. आई जस्ट फील दैट आई शुड बी लाइक हर. आई एम नॉट लाइक हर, आई एम नॉट लाइक हर, आई वांट टू बी लाइक हर. Yes, I am absolutely happy with the response I'm getting it. It's not a lead film, but it's a powerful character what I'm making. I'm very proud of it. Okay, She's a hard working. She's too hard working, and I'm also very hard working. So I think our match is very hua jahan pe hum dono itne hard working the. We were into our scenes, we were into our characters. So that's really beautiful. ओके अंकिता मैम कहती थी अगर 12 बजने जब भी बर्थडे होता है कुछ मांगते हैं शिकायत दिल से तो पूरी होती है. तो एक विश कुछ मांगना चाहेंगे आप आज बर्थडे है आपका स्पेशल दिन. मैं सिर्फ इतना ही मांगना चाहूंगी कि मैं सिर्फ खुश रहूं. नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ मैं सिर्फ खुश रहूं. अंकिता जी क्योंकि डेब्यू है आज आपका बर्थडे है और आज से अपने बॉलीवुड में आप एंट्री की है. पता ये तो आप देखेंगे. इतने सवाल ही नहीं है जिसके मैं काम करूँगी से आप देख लेंगे. ऐसा नहीं है सारे अपना अपना टैलेंट लेकर चल रहे हैं. सभी टैलेंट इज सो गुड बट आई रियली लाइक राजकुमार. आई लाइक विक्की कौशल. दे आर सुपर टैलेंटेड एंड दे आर वेरी दे आर गुड एज एन एक्टर्स. दिस आई दिस माय पर्सनल चॉइस. सो या आई वुड लव टू वर्क ट्रांजिशन टीवी से फिल्म में. व्हेनेवर यू कम तुम्हारा काम करो और घर मेरी पहली फिल्म मैं घर की फिल्म कर रही हूँ क्योंकि कमल जैन इज माई ब्रदर. एंड यू नो मेरे लिए कभी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे कैसे ट्रीट किया जाएगा. आई हैव ऑलवेज गॉट दैट स्पेशल अटेंशन क्योंकि मैं कमल जैन की बहन. सो आई एम लकी एंड आई एम वेरी हैप्पी व्हेनेवर आई एम गोइंग टू बी लाइक But that's what I said. My birthday wish is only to be happy forever. No matter what happens, but I should be happy. Ma'am, last message would want to like to give to the fans. Already they have started wishing. I just want to tell every single fan of mine, and no, if they're not my fan also, but they wish sometimes, that thank you for being there. Thank you for being a, you know, they are my strength. They are genuinely my strength. Because when we're low, and when they, you know, give, they boost you with their messages. Ankita, we are there for you. So I'm thankful and thank you so much for loving me. लॉन्च हुआ है और बहुत एक्साइटमेंट है. सो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि ऐसा लग रहा है मैंने फिर से जन्म लिया है. मेरी जिंदगी में एक वापस एक नया दौर शुरू हो रहा है और ये चीज़ आपके बर्थडे पर बहुत अच्छी चीज़ क्या हो सकती है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. वेरी हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड यू लुकिंग लाइक अ क्वीन एंड अ प्रिंसेस. थैंक यू सो मच. खास ड्रेस पहनी है आज आपने लगता है. हाँ मैं ऐसे मतलब इतने ग्लिटरी कपड़े पहनती नहीं आपको पता है पर आई जस्ट थॉट कि अभी कुछ नई अंकिता बनके मतलब निकला जाए. सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे. रियली आपने अपने आप को रीइन्वेंट कर लिया रीवैम्प कर लिया मेरे ख्याल. आई डोंट नो ये तो आप ही बता सकते हैं. अब मैं अलग लगने लगी हूँ तो मुझे नहीं पता इतना आइडिया नहीं लेकिन आई होप कि आप सबको मेरा लुक अच्छा लग रहा है. आज हमने आपको ट्रेलर लॉन्च पे देखा जी. एक अलग ही एंथुजियाज्म एक अलग ही चार्म था आपके और एक खुशी थी आपके मन में. मुझे ऐसा लगता है कौन खुश नहीं होगा इतनी बड़ी चीज़ किसी के साथ होगी. आई मीन यू नो मणिकर्णिका जैसी फिल्म का एक छोटा हिस्सा भी होना बहुत बड़ी चीज़ होगी क्योंकि द वे फिल्म इज़ गोइंग राइट नाउ एंड यू नो सारी लोगों से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका मैं अगर एक छोटा सा भी हिस्सा होती तो ये तो झलकर ही भाई है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरी वन एंड आई एम होपिंग दैट जो मेरा कैरेक्टर है जो हमारी फिल्म है मणिकर्णिका वो सबको बहुत पसंद आए. आज आपका जन्मदिन पे किस किस को बुलाया आपने? बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके लिए. बस सरप्राइज है आप देखते रहिए आपको पता चल जाएगा. रानी लक्ष्मी बाई आ रही है. आप इस पर थोड़ा विचार मतलब आप थोड़ा वेट करिए आपको पता चल जाएगा. एक चीज और
क्या गिफ्ट मिला है और क्या चाहेंगी आप अपार्ट फ्रॉम द ट्रेलर, अगर आप बताना चाहें। सी ट्रेलर ऐसी चीज है जो जो ट्रेलर जो गिफ्ट मुझे कमल सर ने दिया है, मैं इतना कहना चाहूँगी, कमल जय जो हमारे प्रोड्यूसर है उनकी वजह से ये मुझे चीज़ मिली है और उनकी वजह से मैंने अपने मम्मी पापा को एक गिफ्ट दिया है, बिकॉज आई कैन सी द हैप्पीनेस कि मेरी मम्मी पापा आज की डेट में कितने खुश है व्हेन दे सॉ मी ऑन अ बिग स्क्रीन, यू नो दिस ये जो चीज़ थी ट्रेलर, तो ये इससे बड़ी चीज़ खुशी इतने ये गिफ्ट मैंने अपने मम्मी पापा को दिया है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी टू सी देम हैप्पी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अंकिता आपको याद है आपको कहा जाता था कि आप टीवी पे मधुबाला जैसे आप ही बोलते थे ये वो कायम है, फिल्मों में भी कायम रहेगा आपका जो कब्जा कर लेंगे आप फिल्मों आपको में। क्या लगता है आप बताइए, वोट कीजिए। वो टैलेंट है आप लेकिन आपको लगता है इंडस्ट्री को भी आप फिल्म इंडस्ट्री में भी उतना ही प्रभावशाली? मुझे ऐसा लगता है टैलेंट अगर है तो सब निकल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं निकलूंगी, फिर यही जो भी होगा देखेंगे। लेकिन मन में इच्छा क्या है आपके? नहीं 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 नहीं, पूरा कंप्लीट क्लाइमेक्स चल रहा है, क्लाइमेक्स क्या है बोलो, जल्दी बोलो। हाँ मैं बोल रहा था मन में क्या है आपकी, क्या चाहती हैं और क्या कर गुजरना चाहती हैं? मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। अगर आप ऐसी मजेदार न्यूज को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।